शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, ये आप देखते होंगे कि हमेशा आप लोगों को काफी न्यूज़पेपरों में भी देखते रहते हैं और वैसे भी संविधान में भी आप लोग एक शब्द सुनते रहते हैं, शक्ति का पृथक्करण, यानी कि एक तरह से कहिए कि शक्ति का बंटवारा। चलिए देख लेता हूं कि आखिर ये आर्टिकल क्यों चर्चा में है, इसके बारे में क्या आपके संविधान में प्रावधान है, और भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो भी तथ्य होंगे उन्हें भी देख लेता हूं। हाल ही में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के दोनों सदनों ने निर्णय लिया है कि वह अर्णव गोस्वामी मामले में न्यायपालिका द्वारा भेजे गए किसी भी नोटिस का जवाब नहीं देगी, क्योंकि इस मामले में संसदीय विशेष अधिकारों का हनन हुआ है। इस प्रकार शासन के दो प्रमुख अंगों विधायिका और न्यायपालिका में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक बात और आप लोगों को बताऊं, अर्णव गोस्वामी मामला आपने देखा होगा कि उन पर एक व्यक्ति के एक तरह से उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए मामला चल रहा है, और उसके बाद आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में गया ये मामला, वहां से क्या किया गया कि इसे जमानत दे दी गई है। यहां आप लोगों को बड़े ध्यान से दिया होगा आप लोगों ने कि इसी जगह अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति होगा, आप या हम लोग होते, तो हम लोग सालों लटक जाते इसी मामले में। ऐसा भी आप लोग कई बार सुनते रहते हैं कि एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, उसका जब फैसला आया तो उसे मरे हुए 10 साल गुजर चुके थे। इसी तरह का एक मामला और सुना होगा आप लोगों ने कि एक व्यक्ति को किसी जोड़ में फंसा दिया जाता है, एक तरह से आरोपी बना दिया जाता है, और उस वो 25 साल अपनी सजा काट चुका होता है। 25 साल बाद उससे कहा जाता है कि आप निर्दोष हो, आपने कोई दोष नहीं किया है, आपने कोई गलती नहीं की है, तब आप समझ सकते हैं कि क्या उस पर बीती होगी। तो ये हमारी न्यायपालिका में देखा जाता है, मैं न्यायपालिका पर कोई दोष नहीं मढ़ रहा, ना ही उंगली उठा रहा हूं। मेरा समझाने का मतलब इतना है कि आपकी आर्थिक स्थिति आपकी औकात दिखाती है। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो आप कुछ भी कभी भी रात में भी संसद खुलवा सकते हैं, रात में भी आप लोग एक तरह से क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी खुलवा सकते हैं। हजार मामले पड़े हुए लॉकडाउन में किस तरह से त्रासदी झेली, हजारों याचिकाएं पड़ी हुई है, उस पर सुनवाई करने की बजाय उस व्यक्ति पर आप सुनवाई कर रहे हैं जो दिन भर चिल्लाता रहता है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, उस पर निर्णय देना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं देते आप कभी भी देते, लेकिन और भी मामले आपके पास खड़े हुए थे, ये मेरा पर्सनल पॉइंट व्यू है, ठीक है? और मैं मतलब देखिए ऐसे मीडिया को ना तो सपोर्ट करता हूं ना ही मैं इनके देखना पसंद करता हूं। देखिए मीडिया हमारी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। मीडिया को दिखाना चाहिए जिनकी आवाज दबी कुचली लोगों की आवाज उठानी चाहिए, जो सुविधाएं नहीं है लोगों के पास उनकी स्थिति उठानी चाहिए। लेकिन लॉकडाउन में आपने देखा है कि हजार मामले पड़े हुए थे, हजारों लोग त्रासदी झेल रहे थे, पर भी एक मामला आपने उठाया, उस पर बकते रहे भौंकते रहे आप लोग। तो यहां मीडिया जो आप समझ रहे हैं स्कोर आपका गिर रहा है, इनका मीडिया का अपने ही कर्मों की वजह से गिर रहा है। चलिए खैर छोड़िए, सर्वप्रथम अरस्तू ने सरकार के शक्ति को असेंबली, मजिस्ट्रेसी और जुडिशरी नामक तीन विभागों में बांटा था। यद्यपि आप देखेंगे कि यह शक्ति के पृथक्करण की सुचारू और संगठित परिभाषा नहीं थी। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का वास्तविक तथा सुचारू प्रतिपादन फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा किया गया था, और यह राज्य के सुशासन के लिए उपयोगी एक तंत्र है। जब भी आप लोग आंसर लिख रहे होंगे मुख्य परीक्षा में, तब भी आप लोग इन पॉइंटों को डालिए, अरस्तू ने क्या किया था, ठीक है? फिर आप देखेंगे फ्रेंच के जो दार्शनिक थे मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने क्या किस तरह से किया था। जब इन पॉइंटों को आप लोग आंसर में देंगे तब आपका एक प्रभावकारी आंसर हो जाएगा, ठीक है? यह सिद्धांत ट्राइस पॉलिटिका किस सिद्धांत पर आधारित है, जो शासन की शक्ति को तीन भागों यथा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजन करता है। यह सिद्धांत राज्य को सर्वाधिकारीवादी होने से बचा सकता है और राज्य की शक्ति के समक्ष व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को स्वीकारने वाला प्रथम देश था, तो याद रखिए यूएसए पहला देश था। अगर भारत की स्थिति की बात करें, भारत में शक्ति के पृथक्करण की, तो भारत में संविधानिक सर्वोच्चता शक्ति के पृथक्करण को प्रदर्शित करती है। यद्यपि भारत के संविधान में प्रत्यक्ष रूप से शक्ति के पृथक्करण की बात नहीं की है, परंतु संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और न्यायालय की व्याख्याओं द्वारा शक्ति का पृथक्करण भारत में आपको देखने को मिलेगा। भारत में विधिक प्रावधान और शक्ति का पृथक्करण की बात करें तो भारतीय संविधान में यह स्पष्ट वर्ण थे कि संसद में समस्त विषयों की चर्चा हो सकती है, परंतु न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन में किए गए आचरण की चर्चा
संसद या फिर विधायिका में नहीं होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में वर्णित संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन में की गई कार्यवाही पर न्यायिक हस्तक्षेप की मनाही की गई है। एक तरह से आप कहिए कि संसदीय विशेष अधिकार भी मिले हुए हैं संसद को, 100 आर्टिकल 105 में 194 में, इस पर कोई कार्रवाई एक तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। संसद के सत्र के दौरान किसी सांसद को साक्ष्य के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यहां तक कि संसद के सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक सिविल मुकदमों में बंदी नहीं बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि कोई आपके यहाँ लोकसभा सदस्य, समझ रहे आप लोग, उसे ना तो 40 दिन पहले गिरफ्तार किया जा सकता है और संसद सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये केवल सिविल मुकदमों में होगा। अब आप कहेंगे कि किसी की हत्या कर दे कोई सांसद, क्या तब भी उसे एक तरह से गिरफ्तार नहीं कर सकते? तब गिरफ्तार होगा, ठीक है। ये केवल सिविल मुकदमों के बारे में कह रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि आप समझिए कि 40 दिन पहले वो क्या करेगा कि अपने क्षेत्र की व्यवस्थाएं देखेगा, 40 दिन फिर आप अपने बाद अपनी व्यवस्थाएं देखता रहता है। लेकिन एक दूर अलग बात है कि आजकल की संसद कैसे हैं आप सभी जानते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका अथवा कार्यपालिका का योगदान नहीं रहता है। कार्यकाल के दौरान न्यायाधीशों के वेतन भत्तों इत्यादि में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसके साथ ही इनका वेतन भारत की संचित निधि से व्यय होता है, जिससे व्यय पर संसद में वोटिंग नहीं होती है। वरना आप सोचते कि इस तरह का भेदभाव भी होने लगता कि जो भी केंद्र में सरकार है उसके एक तरह से निर्णय पर चलने लगती संसद, वो आपकी सर्वोच्च न्यायालय, तो इसीलिए आपका संचित निधि से दिया जाता है, इस पर संसद में भी वोटिंग नहीं हो सकती हो। प्रधानमंत्री भी वेतन ऐसा नहीं कि कोई भी सरकार बढ़ा दे उसके कार्यकाल के दौरान, ठीक है। भारत सरकार के संसदीय स्वरूप तथा एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका का एक साधन होना चाहिए और पृथककरण का उदाहरण भी है। न्यायालय द्वारा प्रस्तुत की गई बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा शक्ति के पृथककरण को दर्शाता है और इसके साथ ही शक्ति का पृथककरण बेसिक स्ट्रक्चर का एक भाग भी है। भारत के शक्ति के पृथककरण में नम्रता की बात करें टकराव के कारण, तो संविधान में स्पष्ट रूप से शक्ति के पृथककरण का वर्णन नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप प्रायः तीनों शक्तियां एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर देती हैं। इसके निम्न कारण हो सकते हैं। आप समझिए कि एक तरह से कोई निर्धारित ना की जाए। मान लीजिए कि कोई आपके लिए, मान लीजिए सिविल सर्विस है, इसमें कोई योग्यता ना रखी जाए, तो आप समझिए कि कोई 8वीं पास होगा वो भी फॉर्म भर देगा, कोई बिल्कुल अनपढ़ होगा वो भी फॉर्म भर देगा, और वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी जाएगा, वो कहीं अपने तर्क भी दे सकता है कि इसमें योग्यता नहीं दी गई इसलिए हमने फॉर्म भर दिया। सो इसीलिए आपने देखा होगा कि निर्धारित योग्यता कर दी गई है कि ये आपको जरूरी है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये संविधान में आपको इनकी शक्तियों के बंटवारे में नहीं कहा गया, इसीलिए हस्तक्षेप देखने को मिलता है। आप कह देते कि संसद की ये शक्ति है, न्यायपालिका की ये शक्ति है, कार्यपालिका की ये शक्ति है, विधि जो भी बनाता है उसकी ये शक्ति है, कोई एक तरह से टकराव भी ना होता, लेकिन संविधान में इसका कोई परिभाषा ही नहीं दी गई। जहां भारत में विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद यानी कि विधायिका है, वहीं संविधान में उच्चतम न्यायालय को संविधान का अभिरक्षक बनाकर कानूनों की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को दे दिया गया है, यानी कि सुप्रीम हाईकोर्ट, इन्हीं की बात कर रहा हूं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है, यानी कि अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन करने वाली विधि शून्य होगी, जिसमें विधि निर्माण का कार्य विधायिका का है, उसकी वैधता परीक्षण का कार्य न्यायपालिका का है। आप सभी जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और आपको यह भी मालूम है कि आर्टिकल 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाईकोर्ट जा सकते हैं अगर आपके अधिकारों का हनन होता है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि कोई राज्य सरकार या लो आपकी केंद्र सरकार इस तरह का कानून लाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, मूल अधिकारों के लोगों के मूल अधिकारों के साथ हस्तक्षेप करती है, तो उसे जीरो यानी कि उसे खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। भारत में विधायिका तथा कार्यपालिका में पूर्ण विभाजन नहीं है। विधायिका के सदस्य मंत्री बनकर कार्यपालिकीय भूमिका का निर्वहन करते हैं, इसलिए भी ये टकराव दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णय विधि का कार्य करते हैं। शक्ति के पृथक्करण के से लाभ तथा लोकतंत्र की अगर बात करें तो लोकतंत्र का मूल व्यक्तिगत स्वतंत्रता है तथा शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत का मूल कारण ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह शक्ति शासन की वैधता को निरंकुश होने से बचाता है। वरना आप सोचिए कि एक तरह से वही समय आ जाता राजतंत्र वाला,
कि कुछ भी होता उन्होंने बोल दिया कि ये होना चाहिए वही होगा। तो इसलिए कम से कम हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है कि हर तरह से पाबंदी लगाया रहता है इन सरकारों पर। यह विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है और विकेंद्रीकरण लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभों में एक है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत कार्य के भार को कम करता है और जिससे दक्षता में वृद्धि होती है और यह सुशासन को भी बेहतर बनाता है। सरकार से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता होती है। शक्ति का पृथक्करण इस आवश्यकता को भी कम कर देता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाने पर तीनों अंगों को एक दूसरे के कार्यों में बोझ नहीं रहेगा, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे आदर्शों की स्थापना का मार्ग आराम से प्रशस्त होगा। लास्ट में आप कह सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से पूर्ण रूप से शक्ति का विभाजन संभव नहीं है, या हमें यह समझना होगा कि शक्ति विभाजन सिद्धांत का तीनों अंगों का एक दूसरे से संबंध ना रखना इस सिद्धांत की संकीर्ण व्याख्या होगी। अतः शक्ति के विभाजन का सिद्धांत इसमें इससे कहीं अधिक व्यापक भी है। शक्ति विभाजन का आशय यह है कि सरकार के तीनों अंगों को एक दूसरे के क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप से बचते हुए देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की स्थापना और की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। एक तरह से आपसे कही है कि अपना अपना कर्तव्य निभाइए और एक दूसरे से आप लोग जुड़े रहिए, तभी आप इस तरह की शक्ति जो भी पृथक्करण की बात है उसे संभव बना सकते हैं। और आपका, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि नेताओं या फिर आपके सुप्रीम कोर्ट में कोई भी बैठा हुआ है, मुख्य न्यायाधीश हो या कोई अन्य न्यायाधीश हो, वो अपना पेट भरने के लिए नहीं आया हुआ है, अपने मतलब के लिए नहीं बैठा हुआ है, ना किसी सरकार के पक्ष में निर्णय देने के लिए, वो निष्पक्ष जांच के लिए बैठा हुआ है। नेता का कर्तव्य क्या था? आप समझते हैं कि 1947 में आपको आजादी मिली है, क्या आजादी सबको मिल गई थी? क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या फिर किसी भी वर्ग में जो पिछड़े हुए महिलाओं की जो स्थिति थी उन्हें भी स्वतंत्रता मिल गई, आजादी मिल गई थी? नहीं। कहने का मतलब ये था कि हमारे कुछ अच्छे मतलब खास लोगों के हाथों में एक तरह से आजादी आ चुकी थी, अब उसका बंटवारा करना था आपको। वही हाल है कि मान लीजिए आपके घर में माता या पिताजी को कुछ लेके दे देता है कोई पड़ोसी के, लीजिए अपने बच्चों में बांट दीजिए, तो माँ जी या पिताजी क्या करते हैं, वो अपने पास ही रख लेते हैं। तो यही हुआ उस समय कि हमारे देश के लोग कुछ खास लोगों के हाथ में आजादी आ चुकी थी, मिलना शुरू हुई थी, लेकिन इन लोगों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, उसके कारण आज भी आप देख रहे हैं कि कई लोग पिछड़े हुए हैं, मैन धारा से छूटे हुए हैं, ठीक है। और सभी अपना अपना मुझे लगता है कर्तव्य निभाएं, फिर चाहे आप सिविल मतलब सर्वेंट हैं या फिर कोई भी किसी भी फील्ड में आप लोग, तो देश भी आगे बढ़ेगा और मुझे लगता है कि हर स्थिति से निपटा जा सकता है। लॉकडाउन के टाइम मैंने भी कहा था कि आप समझिए अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से कर्तव्य निभाया, राज्य सरकारों ने, विधायक, लोकसभा, आप समझिए एक सोनू सूद, एक व्यक्ति अगर इतने लोगों की मदद कर सकता है तो एक लोकसभा और विधानसभा सदस्य कितने लोगों की मदद कर सकता है। और अगर विधानसभा और लोकसभा और सरपंचों या स्थानीय जो भी नेता है उन्होंने अगर अपना कर्तव्य निभाया होता तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि एक आदमी की मौत मुश्किल से हुई होती, इतनी त्रासदी कभी नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा है कि लोग रामायण देख रहे थे, नेता महाभारत देख रहा था कोई, मैं तो इतना कहता हूं कि उस समय, इस समय अगर भगवान श्री राम खुद होते तो वो घर में दुमक के कभी ना बैठते। खैर छोड़िए, अलग बात है, आप लोग जिन्हें चुनते हैं वही आपके अच्छी तरह से आपको कर्ज लौटा रहे हैं। चलिए, सामान्य अध्ययन प्रश्न पेपर सेकंड से जुड़ा हुआ है, राज्य व्यवस्था से, ठीक है।